प्रदेश के आगरा में भी अब मेट्रो चलेगी। पीएम मोदी ने मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में वर्चुअल तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले तक परियोजनाओं की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन पैसा कहां से आएगा इस पर विचार नहीं किया जाता था। लेकिन बीते 6 साल में परियोजनाओं के साथ उसकी लागत पर पहले ध्यान दिया गया। नतीजा, आज देश के 27 शहरों में मेट्रो से जुड़े हुए हैं। मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से ट्रैवल व टूरिज्म में भारत दुनिया में 34वें नंबर पर आ गया है। 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर था। जैसे कोरोना की स्थिति संभल रही है, वैसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री की रौनक लौटेगी। पीएम ने एक बार फिर दोहराया कि कोरोना की वैक्सीन आने में अब ज्यादा देर नहीं है, लेकिन इससे एहतियात बरतना नहीं छोड़ना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े व विराट हैं, लेकिन सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना होता है। जब साहस व समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई बाधा नहीं रोक सकती। बता दें कि आगरा मेट्रो ट्रायल 2 साल में होना है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक इस पर 8,000 करोड़ से अधिक खर्च आएगा। बताते चले कि आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट पर 8,369 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 272 करोड़ रुपए से ताजगंज पूर्वी गेट, बसई और फतेहाबाद रोड पर स्टेशन बनाया जाएगा। 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रैक होगा, 22.5 किलोमीटर एलिवेटेड और 7.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक बनेगा। 14 किलोमीटर सिकंदरा से ताज पूर्वी गेट तक पहला कॉरिडोर होगा। 16 किलोमीटर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक दूसरा कॉरिडोर होगा। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।